हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता हम लोग कर रहे हैं बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर बिजनेस लॉ बिजनेस लॉ में आज मैं शुरू करने जा रही हूँ द फैक्ट्री एक्ट 1948 चलिए शुरू करते हैं जी, फैक्ट्री, एक 1948, सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट बनाया क्यों गया फैक्ट्री एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि जो फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स हैं उनकी एक्सप्लाइटेशन ना हो ताकि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके तो फैक्ट्री एक्ट सबसे पहले 1881 में पास किया गया ठीक है ये हेल्थ एंड सेफ्टी मेयर्स प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया इसमें ज़्यादा स्ट्रेस चाइल्ड लेबर पर दिया गया अब कोई भी एक्ट बनता है तो 1881 में जो एक्ट बना था उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाती हैं उन कमियों को दूर करने के लिए उस एक्ट को रिवाइज किया गया उसको रिवाइज किया एटीन में देन नाइनटीन में ठीक है इवन देन टाइम टू टाइम चेंजेस करनी पड़ी तो वो 1934 में इसको फिर रिवाइज किया गया ठीक है जी इसको रिवाइज करने के बाद एट प्रेजेंट जो फैक्ट्री एक्ट चल रहा है दैट इज नाइनटीन फोर्टी एट ठीक है वो जो पास किया गया ट्वेंटी एट्थ ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी एट को और लागू किया गया फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन फोर्टी नाइन को ठीक है जी अब इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था फैक्ट्री एक्ट को बनाने का मेन ऑब्जेक्ट हाँ पहला ऑब्जेक्ट था कि जो फैक्ट्रीज हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करना दूसरा जो वर्कर्स हैं उनको मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करना जिसमें हेल्थ और वेलफेयर मयस ज्यादा आती है ये जो एक्ट है कहाँ पे एप्लीकेबल है ये होल ऑफ इंडिया मतलब पूरे इंडिया में अप्लाई होता है ठीक है चाहे वो प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं चाहे वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज है हाँ जी इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है वो है हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर मयरस का तो हेल्थ मयरस क्या है ठीक है अब हेल्थ जो है हर एक वर्कर की बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम चाहते हैं कि उसकी वर्किंग बहुत ही एफिशिएंट हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं वो फिजिकली और मेंटली हेल्दी होने ज़रूरी हैं वो हेल्दी तभी होंगे अगर उनको हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा हेल्दी इन्वायरमेंट का मतलब है कि जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन होना चाहिए और फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होना ज़रूरी है ठीक है तो कौन कौन सी हेल्थ मेजर्स हैं जो फैक्ट्री एक्ट के अंडर आती हैं सबसे पहले अंडर सेक्शन इलेवन क्लीनिनेस ठीक है जो फैक्ट्री है वो क्लीन होनी चाहिए क्लीन मतलब कि साफ सुथरी होनी चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि जो फैक्ट्री के फ्लोर्स हैं, फर्श है वो साफ होने चाहिए फैक्ट्री का जो वर्क रूम है जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं पैसेज है पैसे रास्ता है जो सीढ़ियाँ है वो सब साफ होनी जरूरी है ठीक है तो जो फ्लोर है मतलब जो वर्क रूम है उनका जो फर्श है हफ्ते में एक बार ठीक है उसको वॉश करना ज़रूरी है ठीक है जब हम वॉश कर रहे हैं तो उसमें डिस यूज होने चाहिए ठीक है अगर लगता है कि फर्श गिल्ला रहेगा वेट रहेगा तो उससे वर्कर्स के स्लिप होने का चांसेस है तो उसकी ड्रेनेज होनी चाहिए ठीक है अब जो वॉल्स हैं पार्टीशन है सीलिंग है किसी भी फैक्ट्री की उसको पेंट करना जरूरी है और पेंट कब होना चाहिए एटलीस्ट वंस इन फाइव इयर्स ठीक है इसके अलावा अगर उनको वॉशेबल वाटर पेंट किया गया है तो उसका एक कोट तीन साल में एक बार होना जरूरी है ठीक है जो डोर्स हैं, विंडो फ्रेम्स हैं और जो भी वुडन और हैं, शटर्स है, उनको पेंट करना बहुत ही जरूरी है और कब करना जरूरी है पांच साल में एक बार अगर किसी वजह से ये रूल किसी फैक्ट्री में एप्लीकेबल नहीं हो सकता देन जो उसका ऑक्यूपायर है ओनर है वो कम क्या करेगा वो अप्लाई करेगा स्टेट गवर्नमेंट को रीजन बताएगा कि क्यों वो ये रूल जो है अप्लाई नहीं कर सकता हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफिलेंस। तो वो सेक्शन ट्वेल्व के अंडर कहा गया है कि अगर कोई फैक्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रही है उसमें वेस्टेज होती है तो उस वेस्टेज को डिस्पोज ऑफ करने का जो है प्रोविजन होना जरूरी है हाँ जी नेक्स्ट है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर अंडर सेक्शन 30 ठीक है तो हर एक फैक्ट्री में वेंटिलेशन का प्रॉपर प्रोविजन होना चाहिए वेंटिलेशन किस तरह से सर्कुलेशन ऑफ़ फ्रेश एयर अगर फ्रेश एयर सर्कुलेट करे तो बहुत ही अच्छी बात है और जो फैक्ट्री का टेम्परेचर है वो इस तरह से होना चाहिए ताकि जो वर्कर्स हैं उनके लिए कम्फर्ट हो ठीक है जो वॉल्स और रूफ्स है उस वो इस मटेरियल की बनी होनी चाहिए कि जो फैक्ट्री का टेम्परेचर है लो रहे अब किसी फैक्ट्री में और मनुफेक्चरिंग इस तरह से हो रही है कि उनको हाई टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है तो जहां पे वर्क रूम है जहां पे मनुफैक्चरिंग हो रही है उस रूम को बाकी के जो फैक्ट्री के पार्ट्स हैं उससे अलग करना चाहिए ठीक है स्टेट गवर्नमेंट बता सकती है कि कितनी वेंटिलेशन और कितना टेम्परेचर होना ज़रूरी है अगर चीफ इंस्पेक्टर को लगता है कि इस फैक्ट्री में हाई टेम्परेचर हो रहा है ठीक है तो वो जो ऑक्यूपायर है उसको एक नोटिस दे सकता है कि आपने किस तरह से अपना टेम्परेचर मेंटेन करना नेक्स्ट है डस्ट एंड फ्यूम अंडर सेक्शन फोर्टीन अगर किसी फैक्ट्री में मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस इस तरह का है कि उसमें डस्ट और फ्यूम जो है हो सकता है तो वो जो डस्ट है दैट इज इंजरियस टू दर्कर्स तो उस केस में जो ऑक्ोपायर है उसको मयस लेनी जरूरी है ताकि वो डस्ट और फ्यूम्स को है रिमूव कर सके ठीक है इसके लिए एग्जॉस्ट एप्लीके जो है उसको भी यूज़ किया जा सकता है अगर कोई जो डस्ट और फ्यूम को नहीं रिमूव कर पाता नहीं एग्जॉस्ट कर पाता तो उस केस में जो आ, 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 इंस्पेक्टर है ठीक है वो टाइम टू टाइम विजिट करेगा और जो है नोटिस प्रोवाइड करेगा अगर किसी फैक्ट्री में मोनुफैक्चरिंग प्रोसेस से ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो उस केस में रूल्स बनाए जा सकते हैं उस केस में उनको कहा जा सकता है कि आपने कितनी ह्यूमिडिटी जो है मेंटेन करनी है ठीक है यहाँ अगर इंक्रीज करने की ज़रूरत है तो आप किस तरह से ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर सकते हो ह्यूमिडिटी को टेस्ट करना ठीक है उसके लिए कह सकते हैं कि टाइम टू टाइम आपने टेस्ट करना है इसके अलावा किस तरह से उसकी वेंटिलेशन या कूलिंग ऑफ द ईयर जो है वर्क रूम की होनी चाहिए ताकि आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी जो है मेंटेन की जा सके ठीक है क्लियर है जो इंस्पेक्टर है वो टाइम टू टाइम ऑर्डर दे सकता है मयस बता सकता है कि किस तरह से आप ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकते हां जी ओवरक्राउडिंग कहते कि जो वर्क रूम है किसी भी फैक्ट्री में वो ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए तो इसमें दो प्रोविजन दिए गए हैं एक दिया गया एक्ट से पहले का एक दिया एक्ट के बाद का जो फैक्ट्रीज एक्ट बनने से पहले बनी हुई है उसमें जो पर वर्कर है वो नाइन पॉइंट नाइन क्यूबिक मीटर प्रोवाइड किया गया कि, एटलीस्ट कम से कम इतना इससे ज्यादा हो सकता है अगर जो फैक्ट्री एक्ट के बाद फैक्ट्री बनी है तो उस केस में जो हर एक वर्कर को हमने स्पेस दिया दैट इज फोर्टीन पॉइंट टू क्यूबिक मीटर्स ठीक है जब अगर किसी फैक्ट्री में जैसे ये स्पेस है ठीक है उसके अबव लेवल थोड़ा सा अबव लेवल का कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे कहने का मतलब कि ये है कि जब हमने 14.2 लेना है तो वो एक ही लेवल का होना चाहिए ठीक है वो किसी भी वर्क रूम में नोटिस लगा सकता है कि कितने वर्कर यहाँ पे होने चाहिए और किसी भी फैक्ट्री को वो एग्जाम कर सकता है अगर उसे लगता है कि यहाँ पे ज्यादा वर्कर की जरूरत है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा लाइटिंग का फैक्ट्री में सफिशेंट एंड सुटेबल लाइटिंग होनी जरूरी है अगर नेचुरल लाइट है तो बहुत अच्छी बात है नेचुरल नहीं है तो आर्टिफिशियल होनी जरूरी है और लाइटिंग इस तरह से होनी चाहिए कि इस तरह से ग्लेयर ना करे ठीक है ना ही ग्लेयर नहीं होनी चाहिए कि एकदम उसकी आंखों को इफेक्ट करे ठीक होनी चाहिए प्रॉपर होनी चाहिए स्टैंडर्ड लेवल की होनी चाहिए देन आके ड्रिंकिंग वाटर अंडर सेक्शन 18 हर एक फैक्ट्री में पानी पीने के पानी का प्रोविजन होना चाहिए ठीक है और जो पीने के पानी का पॉइंट रहना वो इस तरह से होना चाहिए कि हर एक वर्कर जो है वो कन्वीनिएंटली वहां पे जा सके ठीक है और उस पे मार्क होना जरूरी है कि ड्रिंकिंग वाटर लिखा होना जरूरी है और किस लैंग्वेज में लिखना उस लैंग्वेज में जहां जिस लैंग्वेज में ज्यादातर वर्कर्स वहां पे पढ़ सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं ठीक है ये वर्किंग प्लेस के छ मीटर के अंदर अंदर होना जरूरी है ठीक है जी इसके अलावा जहां पे टू फिफ्टी से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं वहां पे कूल ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविजन होना चाहिए ठीक है अगर कम वर्कर काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि कूल वाटर फैसिलिटी दे दें बट अगर ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो ये कंपलसरी हो जाता है फैक्ट्री के लिए के, कूल वाटर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड हाँ जी नेक्स्ट प्रोविजन है लेटरिन का अंडर सेक्शन नाइनटीन इसके लिए क्या होना चाहिए प्रॉपर जो है अकोमोडेशन प्रोवाइड होनी चाहिए मेल और फीमेल के लिए अलग से प्रोवाइड किया जाना चाहिए एंड अकोमोडेशन जो भी प्रोवाइड की गई है प्रॉपरली लाइटेड और वेंटिलेटेड होनी चाहिए एंड शुड बी असेसिबल मतलब वर्कर्स ईजिली वहां पे असेसिबल हो सके और इसके लिए स्वीपर्स को अपॉइंट करना जरूरी हाँ जी उनकी प्रस्क्राइबड सैनिटरी टाइप्स होनी चाहिए उसकी जो फ्लोर्स हैं इंटरनल वॉल्स हैं उनकी हाइट प्रॉपर होनी चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके लिए टाइम टू टाइम जो है रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड कर सकती है देन आ गया स्पिटन्स अंडर सेक्शन ट्वेंटी स्पिटन्स भी हर एक फैक्ट्री में होने ज़रूरी हैं ठीक no है नो परसन शेल्स पिट एंड वीअर एक्सेप्ट स्पिटन्स ये नोटिस लगाना ज़रूरी है अगर कोई वर्कर इसको इस रूल को वायोलेट करता है तो उसको आप जो है फाइन कर सकते हो ये फाइन की अमाउंट जो है रुपीज़ फाइव रखी गई है ठीक है जी हाँ जी आज हम सिर्फ हेल्थ मैयर्स करेंगे सेफ्टी मैयर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आप लोगों ने साथ साथ इन क्वेश्चंस को लिख के देखना है बिकॉज एग्जाम जो है नज़दीक आ रहे हैं ठीक है पढ़ के इनको लिखना ठीक है जी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें थैंक <laughs>